गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सोनू गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों से। तो अभी मैं जा रहा हूँ बागेश्वर के लिए गागरी वोल से होते हुए। तो गाइज अभी मैं हूँ सरयू नदी के किनारे पे। यहाँ पे जो रौनक है ना, सबसे ज़्यादा यहीं पर रौनक रहती है। सामने की तरफ बोट्स भी चल रही हैं। हम बैठ चुके हैं बोट में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. कैसा लग रहा है बोट में? बढ़िया लग रहा है, मजा आएगा सर। मजा आ गया। मेरे को ये हो रही थी, मैं हेलीकॉप्टर में कब जाऊँ? कब जाओगे? मैं तो सोच रहा, मैंने बुकिंग तो पूरी कर रखी है, पूरी गाड़ी की। पूरे हेलीकॉप्टर बुक करोगे? पूरी हेलीकॉप्टर बुक कर रखी मैं और मेरे बच्चे, मेरे मम्मी लोग जाएंगे बस। अच्छा, पूरी गाड़ी बुक कर रखी मैंने। और भाई साहब ने पूरा हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिया। कहाँ से हो आप? बिलोना। बिलोना, बहुत बढ़िया। पे लगे देखिए फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह। देखिए लाई के पत्ते, ये पहाड़ी लाई, कितने बड़े पत्ते हो रहे हैं। ये रहे नींबू और ये है ब्रोकली। ये है तांबे के बर्तन, देखिए ग्लास। ये है गागर, ये क्या है? सुरई कलश। छोटी सी गागर भी है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं बागनाथ मंदिर के गेट के सामने। देखिए बागनाथ मंदिर के गेट को भी काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 5 और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लग चुकी है। और करीब 6 बजे यहाँ पे आरती होगी। तो यहाँ पे लगती है भूटिया कुत्तों की मार्केट। देखिए छह कुत्ते खरीद लिए इन्होंने, देखिए ये सारे भूतिया कुत्ते हैं। तो गाइज यहाँ पे दारमा घाटी धारचूला, डिस्ट्रिक्ट धारचूला है इनका। तो यहाँ से आए हैं इन्होंने, यहाँ पे रखी हैं जड़ी बूटियाँ। क्या क्या हैं इसमें जड़ी बूटियों में आपके पास? इसमें जड़ी बूटी कटकी है, अतीस है, चिरायता है। इनका मेन मेन काम क्या होता है, किस चीज़ में ये काम आती है जड़ी बूटियाँ? जो ये कटकी बुखार में, शुगर में, पीलिया में, हर चीज में टाइप काम आता है। और ये क्या था, अतीस पेट दर्द में। अतीस ये रहा, ये अतीस पेट दर्द के लिए है, इसमें काम आता है। ये 100 रुपये का 100 ग्राम है। ये अतीस और चिराता दोनों मिला के खाने से सर्दी जुकाम बुखार खांसी मतलब गले दर्द में हर चीज में काम आता है। तो ये खुद ही आपके गांव में होती है? जी हम खुद ही खेती करते हैं, अपने खेतों में उगाते हैं, फिर हम खुद ही लाते हैं बेचने के लिए। तो वैसे भी आपका यहाँ दुकान रहती है मेले की? मेले में आते हैं और दूसरे मेले में भी जाते हैं, कभी पिथौरागढ़ में भी लगाते हैं हम लोग। गाइस ये है कटकी, जैसे हमने बताई है शुगर गैस और खट्टी डकार में ये काम आता है। और ये है गंदरेणी, और ये है धूप नेचुरल, मासी धूप है, जटमासी धूप, जटामासी, ये गुगु धूप है, दोनों धूप मिला के हवन में काम आता है। ये गंदरेणी की पत्तियां हैं और ये इनके वो है जड़ है, बहुत बढ़िया। और ये है जम्बू, देखिए ये जम्बू हम खुद ही उगाते हैं, तीन बार काटते हैं, आपने खुद अपने खेत में उगा रखा है हमने। ये जम्बू है, देखिए ऐसा होता है जम्बू, ये बहुत अच्छा। ये खुद बोल रहे हैं कि खुद ही उगाते हैं खेतों में। अतीस जैसे बताए, ये काला जीरा है, शुगर उगर में जो जो ना हुआ है या फिर जी एक कच्चा ही है ऐसे। अच्छा, काला ही होता है? ऐसे काला ही होता है, हम खुद खेती में उगाते हैं हम लोग। 6 महीना पूरा हम ये खेती करते हैं। 6 महीने पूरा मतलब कभी खेत में गया, कभी घास छाना, कभी गुड़ाई, कभी निराई, फिर 6 महीने यहाँ बैठ के हम बेचने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, प्राकृतिक पहाड़ी जड़ी बूटियाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? धारचूला से आए। क्या क्या लाए हैं? ये जड़ी बूटी जम्बू है। अच्छा, ग्रीन टी चाय पत्ती। अच्छा, ग्रीन टी, ये वाली कब्ज की दवा? ये कब्ज की दवा। क्या नाम है इसका? ये कब्ज की दवा। अच्छा, ये जटमासी है।
और ये ब्रीफकेस है ना। अच्छा, ये ब्रीफकेस, ये ताबीज आदि से काम, ताबीज मारता है काम। और ये काला जीरा, और ये रतन जी पाछड़ी, और ये तिमूर, ये तिमूर के बीज हैं। अगर ये एक बीज खालोगे ना, मुंह झनझन झनझन करेगा, और इसके चटनी बना लो और सब्जी में मसाला। अच्छा, चटनी और सब्जी में मसाले के तौर पर यूज करो। और ये गरम होता होगा ना, ठंडे के दिनों में खाते होंगे। ये गरम भी। और ये कुटकी, ये कुटकी है। और ये गठियाबाद की दवाई है। गठियाबाद की जी जी, कटकी, ये शुगर की दवा है। शुगर जैसे टाइफाइड शुगर, कुल मिला के यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियाँ है ना, पूरी ऑर्गेनिक है। ये खुद ही ये उगाते हैं इनको, है ना, गाँव में उगाते हैं। बोन ग्राम सभा के हर्बल ग्राम कहते काम करते हैं हम। तो दोस्तों ये है पहाड़ी राजमा, देखिए इसमें भी दो तीन वैरायटी हैं। ये कितने रुपए किलो बता रहे हैं? ये 260 रुपए के, 260 है। और ये 250, ये 250। और ये भी 250, ये 250। ये सफ़ेद वाली राजमा है, ये एकदम ब्राउन वाली है, इसका थोड़ा सा हल्का कलर हल्का। और ये क्या है? मूली, मूली कद्दूकस किया, मूली कद्दूकस किया, ऊंची हाइड्रोडिस किया। और मैं 30 साल से यहाँ पर बागेश्वर में प्रदर्शनी कर रहा हूँ। जी जी, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। और ये भी 2 साल लॉकडाउन लगने से और कोरोना के कोविड, तो उसमें जरा हमें दिक्कतें आई। और जो हमारी उत्पादित था वो जो है कुछ है बर्बाद भी होने पड़े, जैसे दाल है बिका नहीं। तो अभी 2023 अभी शुभ आए और सभी क्षेत्रवासियों को जो है मंगलमय रखें, ये हमारी कामना है। थैंक यू। तो अभी शाम के वक्त का अमेजिंग नज़ारा आप देख सकते हैं। आरती का टाइम हो रहा है, अभी सामने हो रही है आरती। अद्भुत नज़ारा, अभी का जो नज़ारा है ना यहाँ पे देखते हुए बनता है। धीरे धीरे लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और आरती का भी टाइम हो चुका है। यहाँ पे अनायामया आश्रम कौसानी की आरती का टाइम हो रहा है, आरती की तैयारी हो रही है, आरती जल चुकी है। तो भी यहाँ पे चल रहा है लेजर लाइट शो, देखिए। भाषाओं में संक्रमण और परिवर्तन प्रत्येक कालखंड में होता रहा है। ये प्रभाव यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है। कालांतर में शुद्ध तत्सम व्याघ्रेश्वर शब्द भी अपभ्रंश हो बागेश्वर नाम से जाना जाने लगा। व्याघ्रेश्वर दीर्घ काल तक तप करने के पश्चात ब्रह्मा की आज्ञा से वशिष्ठ इसी पावन भूमि से हिमालय से निस्तृत सरयू को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय नील पर्वत के तट पर मार्कंडेय तप कर रहे थे और सरयू आगे न बढ़ सकी। सरयू को आगे बढ़ाने के लिए वशिष्ठ ने बागेश्वर शिव की स्तुति की। वशिष्ठ की लोक मंगल भावनाओं से प्रभावित होकर शंकर ने व्याघ्र का रूप धारण कर पार्वती को गौ रूप धारण करने का आदेश दिया और गौ रूप पार्वती पर व्याघ्र रूप शंकर ने आक्रमण किया। तब गाय रंभाने लगी। गौ के क्रंदन को सुनकर तपस्या में बैठे मार्कंडेय गाय को बचाने को निकल पड़े और इसी पल सरयू आगे को प्रवाहित हो गई। सरयू गोमती के संगम में अवस्थित व्याघ्रेश्वर के उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के समीप भगवान श्री राम व दक्षिण दिशा में अग्नि कुंड के समीप राम भक्त हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं। व्याघ्रेश्वर परिसर के समीप ही बाणेश्वर, क्षेत्र रक्षक भैरव, दंतात्रेय भगवान व सम्मुख में यज्ञ पुरुष वेणी माधव आदि देवगण सदैव भक्तों का आनंद वर्धन करते हैं।